तेलोडी पेट्रोल पंप के पास मुख्य मार्ग के तालाब में तब्दील हो जाने का विरोध सोमवार को भाकपा माले ने किया। इस दौरान जल्द स्थिति नहीं बदलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। बताया गया कि पिछले कई दिनों से बरसात का पानी गड्ढा वाले सड़क में भरा हुआ है, उसको जल्द बेहतर करने के लिए माले के नेता एकत्रित होकर सड़क सुचारू रूप से चालू करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि के विरोध जमकर नारा लगाए। सड़क पर जमी हुए पानी में उतरकर माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, माले के प्रखंड सचिव पप्पू खान, मनोज यादव, संजय चौधरी, नासिर शेख आदि ने इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। इस बाबत माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि गांडे क्षेत्र के एमएलए सरफराज अहमद का घर भी यहां से काफी नजदीक है, इस रास्ते से वे कई बार गुजरते भी है, किंतु इस पर तत्काल पहल नहीं करना जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता को दर्शाता है। मौके पर माले के नासिर शेख, नईम शेख, शहादत अंसारी, रियाज अंसारी, टिंकू शर्मा, उस्मान अंसारी, सफीक अंसारी, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद हकीम, मोहम्मद मंसूर, कमाल बाबा आदि उपस्थित थे। हम लोग तेलुडी पहुंचे थे और यहाँ जो पानी पिछले एक महीने से जमा हुआ है, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको नहीं दिखता है, वो पता नहीं किधर से पार होते हैं, हेलीकॉप्टर से पार होते हैं हमारे सरफराज भैया की, कहीं और से पार होते हैं, अंडरग्राउंड में कोई रास्ता होगा पता नहीं। इतने लोगों का दुख और तकलीफ जब उनको नज़र नहीं आता है, तो हमने डिसीजन लिया कि बस हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे। आज तो सिर्फ सांकेतिक, अगर एक सप्ताह के अंदर यह सिस्टम को नहीं सुधार दिया जाता तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि पानी में ही हम लोग यहीं खड़ा रहेंगे, 100-150 लोग पानी में ही खड़ा रहेंगे, दिन भर टेंशन क्रिएट कर देंगे। अभी हम सिर्फ सचेत कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रशासन है यहाँ की, जो संबंधित विभाग है, उस विभाग को शर्म आना चाहिए यहाँ कि इस तरह से प्रॉब्लम ये लगातार हो रहा है। इन क्षेत्रों के जो लोग हैं, एम्बुलेंस जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, सजा दे रहे हैं क्या? ये कोई दूसरा देश है क्या? अगर दूसरा देश नहीं है तो आप काम क्यों नहीं करते हैं? काम ही तो करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से निवेदन है कि आप सरकार में हैं, 50 ट्रक कम से कम लगेगा जो डस्ट लगता है उसको भी देकर, कम से कम 2 यहाँ विधायक हैं, कम से कम इसको तुरंत तत्काल करें, वरना घर के सामने धरना देंगे एप्लीकेशन लिख के। विधायक जो हैं कुछ ही दूरी पे उनका आवास है और उनका इधर आना जाना है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ के लोगों ने जो टोकरी भर भर के, बोरा भर भर के इन लोगों को वोट दिया था, विधायक से लेकर मुखिया से लेकर राज्य सरकार तक एक ही पार्टी के हैं, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इसी ओर नहीं गया कि आज ये पूरी तरह से आवागमन जो बाधित है इनको किसी प्रकार से ठीक किया जाए, पानी की निकासी की मुकम्मल व्यवस्था की जाए।